हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम लॉक। मिसलेनियस जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। ये सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर राइट कॉर्नर पर सजेशन बॉक्स पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का टाइम इंटरवल यानी कार्यकाल से पहले महाभियोग लगाने के लिए किसकी रिकमेंडेशन या अनुमति जरूरी है। तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदन, द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में महाभियोग का जिक्र आर्टिकल 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया। टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़, तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था। तो याद रखें कि टावर ऑफ विक्ट्री इज़ बिल्ट बाय राणा कुंभा। हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँगा, ये नारा किसने दिया। तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सबको पता होगा कि राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड। तो याद रखिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह स्टेट के बारे में पूछा गया है कि राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा सीमा है। तो ये गुजरात के पास है और ये है 1214.7 किलोमीटर। इसके मतलब फर्स्ट ये गुजरात की सीमा होती है, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश जिसकी है 973.7 किलोमीटर। आपको शायद ये आसान लग रहे हो, लेकिन मैंने इनका जिक्र सिर्फ इसलिए किया है कि ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल 2017 में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम साइंस विच इज़ आस्किंग दैट ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका आंसर है ब्रांच यानी कि शाखा, टहनी। पौधे की टहनी में कक्षीय कला और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड विकसित होते हैं, जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये टहनी है, यहाँ पे ये इनको ऑक्सिलरी बर्ड बोला जाता है, यहाँ पे ये इनका डेवलपमेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये भी साइंस का है। इसमें पूछा गया कि जाइलम किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है वाटर। सो कीप रिमेंबर, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। इन ए सिंपल लैंग्वेज, हु प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आर एस वी टेकर। इसने पांच जगत के वर्गीकरण के बारे में बताया है जो इस प्रकार हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमलिया और प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज यानी कि गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस नियम को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विच स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगी, रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन, लगातार मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी दबाव ना लगाया जाए। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज को न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस मेटालिक भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो इसका आंसर है पायरोमीटर। इससे जो है धातु की भट्टियों के अंदर के तापमान को मापा जाता है। सो हेयर वी गो फॉर द अनदर सिंपल क्वेश्चन आस्किंग अबाउट फुल फॉर्म ऑफ लैन। सो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन में सिंपली लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है जो है लोकल एरिया नेटवर्क।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक चींटी काटती है व्हेन एन एंट बाइट्स तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH2O2। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है कि सॉलिड सोल का एग्जांपल बताइए, मतलब हिंदी में ठोस सोल बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल है रंगीन पत्थर या कलर्ड जेमस्टोन्स। और दो एग्जांपल और साथ में याद रखिए इसके, अलॉय और रूबी, ये भी सॉलिड सोल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इटाई इटाई नामक रोग के लिए कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए कैडमियम, इस डिजीज़ के लिए कैडमियम रिस्पॉन्सिबल है और कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द कोलेरा कॉजिंग जर्म्स, तो इसका आंसर है कि फिलियो पकिनी, इसने जो है हैजा के रोगाणु की खोज की थी। हमारा 16th क्वेश्चन जिसमें संबंधित कार्य के बारे में पूछते हैं कि मिथाली राज, पूनम रानी और ललिता बाबर, ये तीनों किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर है मिथाली राज क्रिकेट से संबंध रखती हैं, बात करें पूनम रानी जी की तो ये हॉकी से बिलोंग करती हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू ललिता बाबर सी बिलोंग्स टू 3000 मीटर स्टीपल चेजेस, यानी कि 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़, तो याद रखिए इनसे संबंधित क्षेत्र। अगला प्रश्न संबंधित है फिल्म जगत से कि किस मूवी को 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, तो फिल्म का नाम है मूनलाइट, इसके डायरेक्टर हैं बैरी जैंकिंस। अभी 2018 के भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं, तो 2018 का ऑस्कर अवार्ड मिला है द शेप ऑफ वाटर को। आगे बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर की सीरीज के साथ, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हामिद अंसारी। ये भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी जी, और इनका टाइम इंटरवल था 2007 से 2017 तक, इस इंटरवल के दौरान ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले, और इनका जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। 90th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 2017 की करंट अफेयर सीरीज से है ये क्वेश्चन कि भारत में किस देश के साथ जल संरक्षण के लिए एक समझौता किया है, तो इसका आंसर है इसराइल, तो भारत ने जल संरक्षण समझौता इसराइल के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ, भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है, इसका आंसर है अफगानिस्तान, तो याद रखिए अफीम का सर्वाधिक उत्पादक अफगानिस्तान है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ एक दो चीज़ और याद रखिए कि अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ के प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। हमारी बाकी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करेंगे तो हमें बेहतरीन कंटेंट तैयार करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर करें आपके बाकी दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइज़, हैव ए गुड डे।